नमस्कार, आप देख रहे हैं powersports.tv। स्वागत है आपका हमारे शो स्पॉटलाइट में। मैं हूं सौरभ यादव और इस वक्त की खबर ओडिशा से। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि देश भर में या यूं कहिए दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। ओलंपिक्स जैसे बड़े खेलों को अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। जो खिलाड़ी ओलंपिक्स की प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी पेश करना चाहते थे, ऐसे कई खिलाड़ी थे जो बाहर देशों में लगातार जाकर अपना अभ्यास कर रहे थे और ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं में से एक हैं श्रावणी नंदा, जो कि ओडिशा की धावक हैं और पिछले 7 महीने से जमैका, जो कि उसेन बोल्ट का घर माना जाता है, वहां पर अपने खेल की लगातार अभ्यास कर रही थी और टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरह से दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, कई खिलाड़ी अपने घरों को वापस लौट आए बाहर देशों से, पर श्रावणी नंदा ने जमैका में रहकर ही घर के अंदर अपने अभ्यास को जारी रखा और अब पिछले 2 महीने से लगातार घर के अंदर रहकर अपने अभ्यास को जारी रखने के बाद श्रावणी नंदा आने वाले समय में जिस तरह से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, उनका कहना है कि वो जमैका के घरेलू खेल प्रतियोगिताओं का हिस्सा बनना चाहेंगी ताकि वह अपनी जो भी तैयारी हुई है उसे परख सके। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओडिशा से हमारे संवाददाता समरेंद्र रौत। समरेंद्र, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि श्रावणी नंदा के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, खास उपलब्धियां भी बताएं उनकी। 29 साल के श्रावणी नंदा जो ओडिशा के कंधमाल जिले से आए हैं, उन्होंने करीब काफी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल में पार्टिसिपेट करके देश और राज्य के लिए काफ़ी सुनाम लाए हैं। खास करके 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले रेस में उनका शानदार परफॉर्मेंस रहा है, जो अभी जमैका में पिछले अक्टूबर 2019 से रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। किंगस्टोन क्लब के उनके साथ उनका जो MOU हुआ है और श्रावणी इसमें जो लॉकडाउन जो स्थिति है जमैका में भी काफ़ी कर्फ्यू चल रहा है, उसमें से वो घर में रहकर जो हॉस्टल में रहकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका जो मेडल रिकॉर्ड इस प्रकार है, कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि इंडिया में रिप्रेजेंट किए थे, जो 2010 दिल्ली में हुआ था 4x100 मीटर रिले में उन्होंने मेडल लाए थे। एशियन चैम्पियनशिप 2017 भुवनेश्वर में 4x100 मीटर रिले में भी लाए थे और साउथ एशियन गेम्स जिसमें गुवाहाटी में 2016 में 200 मीटर और उसी साल गुवाहाटी में हुए 100 मीटर रेस में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और देश और राज्य के लिए सुनाम लाए थे मेडल लाकर। श्रावणी नंदा जो कि रियो ओलंपिक्स 2016 में वुमेन्स कैटेगरी में 200 मीटर में पार्टिसिपेट किए थे, जिनका क्लॉक रिकॉर्ड रहा 23.07 और उनको अल्माटी 2016 में जो कि कजाकिस्तान में है उसमें से भी वो पार्टिसिपेट करके ओलंपिक के लिए 23.20 सेकेंड्स कायम करके 200 मीटर में ओलंपिक के लिए जो क्वालिफाइंग टेस्ट में वो उत्तीर्ण हुए थे और गोल्ड मेडल उनको मिला था 100 मीटर और 200 मीटर में 2016 साउथ एशियन गेम्स जो कि आसाम में, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किए थे 2008 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो रिले मीटर में गोल्ड उनको मिला था, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जो 12 अक्टूबर 2010 में हुआ था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, और साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में कोलंबो 2007 में उन्होंने भी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, और कॉमनवेल्थ गेम्स जो पुणे में हुआ था 2008 में उसमें भी वो अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। 2017 में वो ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला था एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप जो 400 मीटर भुवनेश्वर में, और वो काफ़ी अच्छे ताल्लुक रखते हैं दुती चंद, मेलिन के जोसेफ और हिमाश्री राय के साथ। समरेंद्र, श्रावणी कितने टाइम से जमैका में अभ्यास कर रही हैं और पिछले 2 महीने से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है वो कैसे अभ्यास को जारी रख रही थी? सारे मुल्क में, सारे पृथ्वी में जमैका सबसे अच्छा देश है जो कि धावक के लिए, जो किंगस्टन क्लब के साथ जो श्रावणी नंदा का MOU हुआ है उसमें से वो पिछले अक्टूबर 2019 से जो प्रैक्टिस शुरू किए हैं। हालांकि जमैका में इतना स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है जो सुबह शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे तक रहता है और दिन में भी कई कई कर्फ्यू रहता है, तो उसमें कोई हिल नहीं सकता, कोई बाहर में नहीं जा सकता, तो इसी वजह से
वो मैदान में जाना, जो कि किंगस्टन क्लब मैदान में जाना ठीक नहीं, वो सोच रहे हैं कि ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उसमें भी अलाउड नहीं है, तो वो हॉस्टल में रहकर और प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि वो 2021 टोक्यो ओलंपिक में 200 मीटर का लक्ष्य रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छे चीज़ सीखने को मिला, वो खुद जाहिर किए हैं श्रावणी नंदन ने। और इसके साथ साथ उनका जो मूल लक्ष्य है कि कैसे मेडल लाएंगे 200 मीटर में। दूति चंद जो है वो 100 मीटर में लक्ष्य रख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कलिंगा स्टेडियम और इटली में, और यहाँ पे जमैका में श्रावणी नंदा 200 मीटर के लिए लक्ष्य रख के टोक्यो ओलंपिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हालांकि अभी जो 2 महीने हुआ वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी वो उनका ये है कि मनसूबा है कि अगर इंडिया में कुछ खेल शुरू होता है तो जाहिर है कि वो इंडिया में आके पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, नहीं तो वो जमैका में जैसे जून जुलाई में शुरू होगा खेल जो कि घरेलू खेल, वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए लक्ष्य रखे हैं। और साथ साथ जो टिप्स मिला है उनको, खास करके जो सेमिनिया क्रैस्टर और जिसे बड़े बड़े जो धावक उनके साथ मिलने के लिए मौका मिल रहा है, वो गवाना नहीं चाहते हैं वहाँ रहकर। जैसे उनका घरेलू खेल कुछ शुरू होता है तो वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो लक्ष्य रखे हैं। समरेंद्र, कोरोना वायरस की वजह से खिलाड़ी जो बाहर देशों में अभ्यास कर रहे थे अधिकतर वह भारत वापस आ गए थे, ऐसे टाइम पर श्रावणी ने क्या वापस आने की नहीं सोची? देखिए, श्रावणी का ये कहना है कि अगर देश में कुछ खेल होता है घरेलू खेल तो जाहिर है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको आना पड़ेगा देश, नहीं तो वहाँ पूरा ओलंपिक होने तक वहाँ रहकर प्रैक्टिस करेंगे, जो कि उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी अच्छे अच्छे खिलाड़ी से उनको मिलने के लिए भी जो अपॉर्चुनिटी मिला है। और वहाँ पे जो टिप्स मिला है वो बोलते हैं कि सारे जो वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ बोला जाता है कि वहाँ का जो कोचिंग जो पद्धति है, तो वो गंवाना नहीं चाहते हैं, वहाँ रहकर वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभ्यास करना चाहते हैं। अगर भारत में कुछ होता है घरेलू मैच और घरेलू खेल तो वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करने के लिए भारत आ सकते हैं। समरेंद्र, श्रावणी जैसे आपने बताया कि भारत के लिए कई पदक जीत चुकी हैं, पर अभी भी ओलंपिक्स मेडल जीतने में वो असफल रही हैं। इस बार वो इस पदक को पाने के लिए क्या और कितनी कड़ी मेहनत कर रही हैं और क्या लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उन्होंने? देखिए, कंधमाल जो जिला है वो पहला जिला उड़ीसा में जो कंध आदिवासी को लेके बनाया गया था, और इसको कि जो डिलिमिटेशन के तहत जो दूसरे जो जिला बनाए गए थे 1330 तक इजाफा हुआ था जिलों में, तो उसमें से कंधमाल अभी भी एक पिछड़े हुए जिले की तरफ लिए जाते हैं। उसमें से आके वो काफ़ी मेडल जीत चुके हैं 100 मीटर 200 मीटर और 400 मीटर में, ओलंपिक भी पार्टिसिपेट किए हैं। उनका जो मनसूबे हैं कि ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने देश और राज्य के लिए सुनाम लाएंगे, तो उसके लिए वो जमैका जाके पिछले अक्टूबर से 19 अक्टूबर से वहाँ से जाके रहकर अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो वहाँ पे उनको कोचिंग मिला है वो सीखने लायक है, वहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स मिला है जो कि आने वाला ओलंपिक मेडल पे वो तब्दील कर पाएंगे कुछ मेडल हासिल करने के लिए, उनका ये सोच है। और जो उनका और भी एक सोच है कि वहाँ पे जितने रहकर प्रैक्टिस करेंगे उनका जो खेल का जो टेक्निक है उसमें अच्छा असर पड़ पाएगा और वो अच्छे कम समय में वो स्कोर जो है हासिल कर पाएंगे। तो जाहिर है कि अगर भारत आएंगे तो घरेलू जो मैच है उसमें हिस्सा लेंगे। पिछले दिनों वो काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मेडल भी जीत चुके हैं, और इसके चलते उनका लक्ष्य है कि जो खेल के महाकुंभ बोला जाता है ओलंपिक्स जो है इसी साल में होने वाला था, जो उसको टाल दिया गया है 2021 में जापान का राजधानी टोक्यो में, वहाँ पे हिस्सा लेकर देश और राज्य के नाम पर मेडल ला सकेंगे। चलिए समरेंद्र, हम चाहेंगे कि आप लगातार नजर बनाए रखें उड़ीसा में हो रही खेल जगत की हलचलों पे और हम तक वो सारी खबरें पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पावर स्पोर्ट से जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे भुवनेश्वर उड़ीसा से हमारे संवाददाता समरेंद्र रॉय, जिन्होंने बताया कि जिन्होंने हमें बताया कि श्रावणी नंदा जो कि उड़ीसा की धावक हैं पिछले कुछ समय से जमैका में रहकर अपना अभ्यास कर रही हैं और टोक्यो पे
अपना नजर साधे हुई थी। हालांकि अब जरूर टोक्यो ओलंपिक्स टल गया है, लेकिन श्रावणी मेहता का कहना है कि वह अभी भी अपनी तैयारी पूरे जोर शोर से करेंगी ताकि ओलंपिक्स पदक जीतने का जो उनका सपना है वो उसे पूरा कर सके। इसी के साथ ओडिशा से आ रही खेल जगत की खबरों पे हम यही विराम लगाते हैं, पर आप बने रहिए पावर स्पोर्ट्स डॉट टीवी के साथ खेल जगत जुड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए।